Now we talk of homogeneous linear equations. Now इसमें हम लोग बात कर चुके हैं, दो केसेस हैं, दो वेरिएबल्स में और तीन वेरिएबल्स में. तो इसमें होमोजीनियस का क्या मतलब होता था कि हमारी लीनियर इक्वेशंस में कांस्टेंट पार्ट नहीं होगा. ये क्या है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू जीरो. कांस्टेंट पार्ट दोनों में जीरो है. इसी तरह अगर तीन वेरिएबल्स में है तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल्स टू जीरो एंड ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज जीरो. इसमें देखिए तीनों कांस्टेंट पार्ट जीरो, तो ये हमारी क्या होंगी, होमोजीनियस इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स. ये है होमोजीनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. नाउ दोनों ही केस में पहली चीज तो हम लोग नोट करेंगे, वैसे तो हम लोग ने क्या पढ़ा है, हम लोग के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, फिर नो सॉल्यूशन और फिर होता है इन्फिनिट सॉल्यूशन. लेकिन जब होमोजीनियस का केस होता है तो नोट करें, चाहे थ्री वेरिएबल्स में हो चाहे टू वेरिएबल्स में हो, एक सॉल्यूशन हमेशा ही प्रेजेंट होता है. इस केस में एक्स जीरो वाई जीरो देखिए दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. एक्स को जीरो रखिए वाई को जीरो रखिए जीरो आएगा, एक्स को जीरो रखिए वाई को जीरो रखिए सेकंड इक्वेशन में वो भी जीरो आएगा. मतलब एक्स जीरो वाई जीरो तो इसका सॉल्यूशन बिना सॉल्व करे ही हम देख पा रहे हैं. इसी तरह यहाँ पे एक्स जीरो वाई जीरो और जेड जीरो इसका सॉल्यूशन है. इवन बिफोर स्टार्टिंग हम देख सकते हैं एक्स को जीरो वाई को जीरो जेड को जीरो फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए चाहे थर्ड में रखिए, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है. तो यानी ये सॉल्यूशन तो एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि इसमें सॉल्यूशन ना निकले. मतलब ये केस तो कभी होगा ही नहीं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में, नो सॉल्यूशन का केस तो होगा ही नहीं क्योंकि एक सॉल्यूशन तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है, ये तो हमेशा ही इसका सॉल्यूशन होंगे. तो फिर पहली चीज ये है कि इन केस ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और थ्री वेरिएबल्स, द इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट. ऑलवेज कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो इनका ऑलरेडी है ही. इस केस में ये सॉल्यूशन, इस केस में ये तो ऑलरेडी है ही. बस हमको ये देखना है कि ऐसा कभी केस है कि हमें इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिलेगी. ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन तो है ही, एक्स जीरो वाई जीरो तो दोनों में, एक्स जीरो वाई जीरो इसमें और एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो इसमें, ये एक एक सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है. तो ये जब भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होंगी तो वो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होंगी. नाउ अगर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री, इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, रादर इसको हम लोग डिटर्मिनेंट देखें, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें और इस केस में इसका डिटर्मिनेंट देखें ए वन ए टू बी वन बी टू, तो इसमें सिर्फ दो केस हैं. अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं आया तो स्ट्रेट अवे हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन. और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा एक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन तो हमको ऑलरेडी पता है क्या है, एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो. इसमें क्या हो जाएगा, एक्स जीरो एंड वाई जीरो. ऐसे सॉल्यूशन को, यूनिक सॉल्यूशन को यहां पे हम क्या एक वर्ड देते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो जब भी ट्रिवियल सॉल्यूशन वर्ड आएगा तो आप समझ जाइएगा कि होमोजीनियस इक्वेशंस की बात हो रही है और यूनिक सॉल्यूशन निकल के आया है, दैट इज एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो इन केस ऑफ थ्री वेरिएबल्स एंड एक्स जीरो वाई जीरो इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स. इसी तरीके से अगर डेल्टा ए जीरो निकल के आए तो ऑब्वियसली नो सॉल्यूशन का तो कोई केस ही नहीं है, तो ये फिर केस किसका बन जाएगा, इन्फिनिट सॉल्यूशंस. यानी एक्स वाई जेड की इन्फिनिट वैल्यूज हमको मिलेंगी जो हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी अगर तीन वेरिएबल्स हैं, और एक्स वाई की इन्फिनिट वैल्यूज हमको मिलेंगी अगर दो वेरिएबल्स हैं. तो यहाँ पे और इस केस में जब इन्फिनिट सॉल्यूशन होता है तो हम क्या कहते हैं उनको, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो जैसे ही कोई कहे कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो सबसे पहले क्या समझेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशंस की बात हो रही है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि उन होमोजीनियस इक्वेशंस के क्या हैं, इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं.
तो यहाँ पे सिर्फ हम डिटर्मिनेंट ए से पता लगा लेंगे कि हमारे सॉल्यूशंस यूनिक हैं या इन्फिनिट। अब इस केस में सोच के देखिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, स्ट्रेट अवे हमारे आंसर्स हमको पता है। तो जब भी क्वेश्चन आएंगे मेजरली इन्फिनिट सॉल्यूशंस पे आएंगे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तो पता ही है ऑलरेडी क्या होता है। नाउ नाउ अब हम लोग ने समझ लिया होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में। अब उसको जरा विजुलाइज करके देखते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। लेट्स से हम पहले टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होमोजेनियस क्या होंगी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल्स टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशंस किससे पास कर रहे हैं, इसका एक सॉल्यूशन क्या है, जीरो कॉमा जीरो, मतलब x भी जीरो है और y भी जीरो है। तो यानी ये हमको पता है कि एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लाइन, दे रिप्रेजेंट अ लाइन, और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट उस लाइन पे है, पार्ट ऑफ द लाइन है। तो यानी जीरो कॉमा जीरो इस लाइन पर है, इसका मतलब ये है कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, जीरो कॉमा जीरो इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, तो ये ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये हमारी लाइन क्या होगी, एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड होमोजीनियस हो तो क्या होगी, दैट विल पास थ्रू ओरिजिन। अब अगर हमारी दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस हमारी क्या है, होमोजीनियस है, तो दोनों ही हमारी ओरिजिन से पास करेंगे, तो क्या सिचुएशन हो सकती है, या तो वो दोनों लाइंस डिफरेंट हो और या वो दोनों लाइंस क्या हो, ओरिजिन से भी पास करें और सेम हो। लेट अस यूज अ डिफरेंट कलर, एक लाइन हमारी ये और एक हमारी लेट्स ये लाइन है। तो हमारे दो केसेस, ये लाइन वन है, ये लाइन टू है, ये लाइन वन है, ये लाइन टू है। तो जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं और होमोजीनियस होती हैं, तो वो क्या होती हैं, पहली चीज तो ओरिजिन से पास करती हैं, तो दो ही केसेस पॉसिबल हैं, क्योंकि वो ओरिजिन से पास करी तो सॉल्यूशन तो हमको मिल ही रहा है दोनों केस में, एक सॉल्यूशन तो हमें जीरो जीरो मिल ही रहा है। बस केस क्या होता है, अगर ये वाला केस होगा तो ये कौन सा केस हो गया, यूनिक, क्योंकि एक ही पॉइंट है दोनों इक्वेशंस में जो पास कॉमन है, दैट इज द ओरिजिन वाला पॉइंट, दिस इज ओरिजिन। और ये वाला केस क्या है, इसमें हम क्या पा रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन लाइन वन एंड इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन लाइन टू, और दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है। इसका मतलब क्या है, दोनों पॉइंट्स दोनों पे कॉमन है, तो इन्फिनिट सॉल्यूशन है दोनों के कॉमन है, और उनमें से एक सॉल्यूशन क्या है, जीरो जीरो। तो वही हमारा पॉइंट था कि जब होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं तो वो हमेशा क्या होती है, इनकंसिस्टेंट, उसमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो हमेशा ही होता है जीरो जीरो, देखना ये होता है कि उससे ज्यादा सॉल्यूशंस भी हैं कि नहीं। तो ये वाला केस क्या हो गया, यूनिक का, जिसमें एक ही सॉल्यूशन, ये हमारा हो गया ट्रिवियल, और ये वाला हमारा केस हो गया नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं और ओवरलैप कर रही हैं, और अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं पर ओवरलैप नहीं कर रही, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नाउ वी टॉक ऑफ थ्री वेरिएबल्स। नाउ लीनियर इक्वेशन इन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज जीरो एंड ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज जीरो। नाउ एनी लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल रिप्रेजेंट्स व्हाट, अ प्लेन। तो इस वाले केस में भी हम क्या पा रहे हैं कि x को 0 रखें, y को 0 रखें और z को 0 रखें, तो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यानी ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो बिना सॉल्व करे ही हम पा रहे हैं कि एक सॉल्यूशन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इनमें, तो ये हमेशा क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। एक भी सॉल्यूशन मिल गया तो हमारी इक्वेशंस क्या हो जाती है, कंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन का तो केस ही नहीं है यहाँ पे। बस देखना क्या है कि एक से ज्यादा क्या सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं। अब इसको विजुलाइज करते हैं। अब हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स होता है वो एक प्लेन होता है, तो यानी हमारे तीनों प्लेन्स जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो से पास कर रहे हैं, तीनों पे ये जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो है, यानी वो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों प्लेन्स ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो इसमें दो केसेस होंगे, या तो हमारे तीनों प्लेन्स, लेट्स से दिस इज योर सेकेंड प्लेन एंड लेट्स से दिस इज योर थर्ड प्लेन, इस किस्म से, तो सिर्फ एक पॉइंट है जो तीनों पे आ रहा है एंड दिस इज दैट पॉइंट, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, दिस इज दैट पॉइंट, एक ही पॉइंट है तीनों का कॉमन, और वो कॉमन पॉइंट क्या हो सकता है, ये वाला पॉइंट जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो।
अगर ऐसा केस है तो ये क्या सोल्यूशन हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि एक ही सोल्यूशन है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि लेट से हमारा एक प्लेन ये है एंड लेट से दूसरा प्लेन हमारा ये है एंड लेट से तीसरा प्लेन हमारा ये है। तो ये तो इनफाइनाइट लेंथ के प्लेन्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या है तीनों प्लेन्स में कौन सा पार्ट कॉमन दिख रहा है हमको? ये, एंड दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, ये लाइन है ऑफ इंटरसेक्शन तीनों का। तो ये तो इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, दीज आर इन्फिनिट पॉइंट्स, इन्फिनिट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब इनमें से एक पॉइंट तो 0,0 है ही, क्योंकि तीनों हमारे प्लेन्स किससे पास कर रहे हैं? 0,0 से तो पास कर ही रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां तीनों मिल रहे हैं या कॉमन है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिट पॉइंट्स है जहां तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उनमें से एक पॉइंट जरूर कौन सा होगा? 0,0,0। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूशन होता है 0,0,0, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और उनमें से एक सॉल्यूशन क्या होता है? 0,0,0, दैट इज x0 / 0 z0।